बेटी फूल लेने हैं। अरे मैया कितने सुंदर फूल हैं। बेटी मेरे बगीचे में तो इससे भी सुंदर और फूल हैं। तुम आकर देखोगी? आप दोनों जल्दी आइए, राधा बेटी परेशानी में है। चलिए। यहाँ से बचकर लौट नहीं पाओगे। तो ये दोनों आ ही गए अपने दोस्त को ढूंढते हुए। बेटा कावा, तुमने बहुत सही तरीके से उन दोनों को बहलाया है। इनको अब मैं परास्त करती हूँ, फिर वृंदावन मेरा होगा। मेरा राक्षसी, तेरी ये योजना हम कभी सफल नहीं होने देंगे। मुझे मत मारो, मैं अपने अपराधों को स्वीकार करती हूँ। वृंदावन से मैं दूर जा रही हूँ और कभी यहाँ नहीं दिखूंगी, कभी नहीं दिखूंगी। कृष्ण बलराम, मैं अभी जा तो रही हूँ, परंतु ये अंत नहीं है। जल्द ही मैं प्रतिशोध लेने के लिए लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। वाह, वहां उस ओर। मताली, आप श्री कृष्ण और बलराम के पास तुरंत ही हमारा संदेश ले जाएं। उन्हें कहें कि हम यहाँ भ्रमण के लिए उतरे हैं। इंद्रदेव ने अपना रथ और सारथी भेजकर हमारा कार्य और भी आसान कर दिया। साथियों, आक्रमण! इंद्रदेव के सम्मान में हम उन पर उन्हें के अस्त्र से वार करेंगे। हाँ।
इन हवा के फेरों को तोड़ इंद्रदेव को कैसे इससे मुक्त किया जाए? लो, मैं सहायता किए देता हूँ। इंद्रदेव, इंद्रदेव कृपया आंखें खोलिए। देव अस्त्रों के प्रहार से हुए घाव का उपचार तो केवल देवों के वैद्य धन्वंतरी ही कर सकते हैं। माताली, कृपया आप इसी क्षण देवलोक जाएं और देव वैद्य धन्वंतरी को लेकर तुरंत लौटिए। मैं और बलदाव तब तक यहीं इंद्रदेव के पास रहेंगे। यही उचित होगा। इंद्रदेव जल्दी ही स्वस्थ हो जाइए, फिर हमारे साथ वृंदावन में भ्रमण भी तो करना है। कृपया मेरी सहायता करें, मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ, देवलोक की अप्सराओं की रानी। एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाएं, केवल तभी मैं वापस स्वर्गलोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी, कृपया आप बताइए हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है, कृपया मेरे साथ चलिए। वापस लौट जाओ, तुम आगे प्रस्थान नहीं कर सकते हो। हम यहाँ से वापस लौटने नहीं, कल्पतरु तक पहुँचने के लिए आए हैं। स्वयं को जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यहाँ से पर्वत के शिखर का रास्ता बहुत कठिन और लंबा है, कृपया हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। चमत्कारी वृक्ष, रंभा देवी साथ ही ये प्रण भी ले लीजिए कि अब कभी किसी मुनिवर की तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी।
हाँ।